तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, कुछ हमने बेसिक चीजें पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। आगे देखें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हीटिंग इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में पढ़ा, कैसी हीट जनरेट होती है वो पढ़ा। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट से कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, एक देखा हमने हीटिंग इफेक्ट। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट क्या क्या होंगे। तो एक देखा हमने हीटिंग इफेक्ट, अब दूसरा क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेट प्रोड्यूस होना, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होना, उसको बोले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट तैयार होता है तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म तैयार होगा यहाँ। तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे। तो देखो आपके बुक में पहला एक एक्सपेरिमेंट दिया है, कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर, कनेक्ट अ कॉपर वायर थिकर एंड स्ट्रेट एज कम्पेयर टू द कनेक्टिंग वायर्स बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरह से हमें एक सर्किट तैयार कर लेना है, ठीक है। सर्किट में क्या रहेगा, यहाँ बैटरी लगी रहेगी, इधर टैपिंग की मत प्लग की रहेगी, ऑन ऑफ करने के लिए की रहेगा, ठीक है। और ये वायर लेना ए से बी के बीच में, वायर कैसा होना, कॉपर का होगा और थीक वायर होगा, जो नॉर्मली जो वायर होता है कनेक्शन के लिए वो थीन होता है, उससे हमें थोड़ा जाड़ा लेना, थीक वायर लेना, ठीक है। तो थीक वायर ये ले लिया हमने, यहाँ रेड कलर में दिखा ए बी, और इसको हमने सर्किट में इस तरह से कनेक्शन दे देना, बैटरी के साथ वायर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए को जोड़ दिया और निगेटिव टर्मिनल बी को जोड़ दिया, बीच में टैपिंग की लगा दिया, प्लग की लगा दिया, ऑन ऑफ की। फिर हमें क्या करना है, एक मैग्नेटिक नीडल लेना है और एक मैग्नेटिक नीडल को ये वायर के पास में रख देना। आगे जाने सो कीप अ मैग्नेटिक नीडल एडजेसेंट टू द वायर, ठीक है। तो एडजेसेंट टू द वायर मतलब वायर के पास में हमें ये मैग्नेटिक नीडल रख देना। मान लो अगर ये आपका वायर है तो वायर के नीचे इस तरह से हम मैग्नेटिक नीडल को क्या करेंगे, एडजेसेंट, ठीक है, वहां पर रखेंगे उसको नियर बाय, एडजेसेंट टू द वायर। आगे देन में अब क्या करना है, कीप द प्लग की ओपन इन द सर्किट एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल, और ये प्लग की को क्या करेंगे हम ओपन करेंगे, मतलब सर्किट चालू हो जाएगा, करंट फ्लो चालू हो जाएगा। अब देखो जब करंट चालू हो जाएगा तो नीडल को ऑब्जर्व करो, बोलते हैं नीडल की डायरेक्शन किधर मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हमेशा ध्यान में रखना ये मैग्नेटिक नीडल कब मूव होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी मूव होगी। आगे देखें जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तभी ये नीडल मूव होती है, अदरवाइज ये मूव नहीं होती, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव होती है। अब नीडल हमें क्या दिखाती है, मूवमेंट दिखाती है। तो जब ये करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, अभी देखो पहले सर्किट में क्या दिया डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर से जा रही है, करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। आगे देखो जो कन्वेंशनल करंट होता है, तो ये करंट की डायरेक्शन है, एरो क्या दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन। तो करंट ये पॉजिटिव, सेल में आपने देखे ना जो बैटरी होती है उसमें पॉजिटिव लिखा होता है, निगेटिव होता है, दो टर्मिनल होते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है, कन्वेंशनल करंट जो बोला जाता है। तो इस तरह से करंट की डायरेक्शन है, तो जब इस तरह से करंट की डायरेक्शन है तो हमें क्या नजर आता है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब एक ऑन कर देंगे हम, स्विच ऑन कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो नीडल है ये थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये नीडल इस तरह से, तो ऐसी हो जाएगी। आगे चलिए तो ये जो पोजीशन है नीडल की इस तरह से आ जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाए, समझ आ रहा है, तो इस तरह से इधर मूव हो गई, यहां नॉर्थ हो गया, यहां साउथ हो गया। तो दो पोल होते हैं मैग्नेटिक नीडल, सबने देखा हुआ है मैग्नेटिक नीडल में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, मतलब ये डायरेक्शन क्या दिखाता है, हमेशा ये जो नॉर्थ पोल होता है ये नॉर्थ की तरफ ही डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, और ये साउथ पोल साउथ डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल जब हम यहां रखेंगे और इस तरह से करंट ऑन करेंगे, ठीक है, ये वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, आगे चलिए, तो जब इसमें से करंट फ्लो होगा, तो जब करंट फ्लो होगा तो ये नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इसकी डायरेक्शन ऐसी चेंज हो जाए, ठीक है। अब दूसरा क्या करो, बोलते हैं फिर करंट की डायरेक्शन चेंज कर लो, तो हम दूसरी फिगर में दिखाए। अभी हमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बी वाला जो एंड है इधर जोड़ेंगे और ये वाला एंड इधर जोड़ेंगे, मतलब ठीक है, मतलब इधर यहाँ ए पॉइंट को पॉजिटिव था और बी पॉइंट को निगेटिव था, तो ए पॉइंट को हमने क्या कर दिया निगेटिव और बी पॉइंट को क्या कर दिया पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो ये वाला, तो यहाँ वायर करंट किधर से जा रहा है, ए से बी के तरफ जा रहा है,
और इधर डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है, जो आपकी बैटरी होती है सेम, इधर एक पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, तो पहले मान लो पॉजिटिव से हमने ए पॉइंट को जोड़ा है और बी पॉइंट को निगेटिव से जोड़ा, आप क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, ए पॉइंट को निगेटिव से जोड़ेंगे, बी पॉइंट को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब इधर से करंट ऐसे फ्लो रहा है, बी से ए के डायरेक्शन में फ्लो रहा है, तो जब इस तरह से फ्लो हुआ फिर ऑब्जर्व करो ये नीडल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो क्या इफेक्ट हमें दिखेगा, जब ये डायरेक्शन इधर से इधर होगी, करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो ये जो डायरेक्शन था नीडल का इस तरह से है, इधर है, जब करंट ए टू बी जा रहा है तो नीडल क्या होगी, इस डायरेक्शन में मूव होगी, इधर डिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, और जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, तो इधर आ गई नीडल इस तरह से, इस डायरेक्शन, ये साउथ हो गए ना, तो समझ में आ रहा है। अब ये यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि हमने नीडल में तो कुछ नहीं किया, नीडल को कुछ करंट सप्लाई किया नहीं, कुछ उसको किया हमने, कुछ भी नहीं, हमने क्या किया सिर्फ ये वायर में से करंट हम कैरी कर रहे हैं, तो जब वायर में से करंट कैरी कर रहे हैं तो नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है, और नीडल में डिफ्लेक्शन तभी आता है जब मैग्नेटिक फील्ड हो वहां, आगे देखें इसका मतलब क्या होगा, नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब जब फिर और क्या करेंगे हम, प्लग को क्लोज कर दो, प्लग की को क्लोज कर रहे हैं, करंट सप्लाई बंद कर दो, तो जब करंट सप्लाई बंद होगा तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, फिर करंट सप्लाई ऑन करेंगे फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर करंट सप्लाई बंद कर दो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, मतलब जब करंट सप्लाई नहीं है तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, और जब करंट सप्लाई करेंगे हम तो मैग्नेटिक नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, सिमिलरली यहां सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो हमेशा इधर डिफ्लेक्ट होगी, करंट बंद कर देंगे हम फिर ओरिजिनल आ जाएगा, सिमिलरली यहां करंट की डायरेक्शन अब रिवर्स है, तो जब करंट ऑन रहेगा ठीक है तो इधर डिफ्लेक्शन करेगी नीडल, करंट ऑफ फिर से हो रही थी, फिर इधर डिफ्लेक्शन करेंगे ऑन करेंगे तो फिर, तो इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा, क्या पता चल रहा है कि जब जब भी करंट कैरी हो रहा है तब यहां क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है अराउंड दी कंडक्टर, ये जो वायर है इस वायर के नियर बाय अराउंड द वायर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जिसके वजह से नीडल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, समझ में आ रहा है, जब करंट नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है नीडल, और जब करंट चालू है तो नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब ये करंट में और यहां कुछ तो भी रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ गया, इससे इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया आपको कि जब करंट कैरी हो रहा है उसमें और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ तो रिलेशन हो रहा है, तभी नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रही, तो क्या कंक्लूजन निकलता है इससे, साइंटिस्ट लोगों ने जो ऑब्जर्व किए उन्होंने कंक्लूजन निकाले कि जब जब भी किसी कंडक्टर से किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जब भी किसी कंडक्टर से कोई वायर, कंडक्टर यानी कोई भी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, अगर मैं इस वायर को दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगा दूं, इलेक्ट्रिक करंट अगर इस वायर में से फ्लो हो रहा है तो इसके अराउंड यानी इसके आजू बाजू में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए नीडल हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है, फिर करंट के डायरेक्शन के हिसाब से इसकी भी डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो, तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, तो यही आपको पूछा है, देखो यहां What do you notice? आपने क्या नोटिस किया हो? Now interchange the connecting wire connected to the cell and observe the direction of the magnetic needle. Do you notice any relation between the direction of current and the position of the needle? ठीक है, इस तरह से direction change करने पर भी हमें deflection निकलता है, लेकिन deflection opposite direction में होता है, तो direction of current और deflection of needle ये भी एक दूसरे से related. ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इज डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर. अब आगे के पेज पे देखो आपको दिया है, सो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट से आप क्या सीखते हो, व्हाट डू यू लर्न, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ द करंट इन द वायर, तो वायर में करंट की वजह से बिकॉज ऑफ द करंट इन द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड है ठीक है, ऑब्जर्व करना है क्या, हमें पता चला कि वहां मैग्नेटिक फील्ड है, हमने ऑब्जर्व किया उसको, ठीक है, दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ अ मैग्नेट इज मूव्ड एंड केप्ट मूविंग विल वी ऑब्जर्व एनी इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर इसका उल्टा हम करते हैं, अगर मैग्नेट को मूविंग रखते हैं
क्या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है? इज इट नॉट एक्साइटिंग? देयरफॉर वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड्स एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स. फाइनली वी विल स्टडी द प्रिंसिपल्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले कि किस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट की वजह से किस तरह से करंट प्रोड्यूस होता है. दोनों की चीजें अगर है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा करंट की वजह से. उसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूवमेंट हो रही है तो उसके वजह से करंट प्रोड्यूस होगा. दोनों भी, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर. तो ये समझ में आ गया. तो क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा, कि whenever there is current passes through a current carrying conductor, then the magnetic field is produced around it. तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. क्लियर है? अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, ठीक है, कैसे, किस तरह की रहेगी डायरेक्शन, किधर से, क्योंकि डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड को. मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने लास्ट ईयर देखा, एक बार मैग्नेट होता है तो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ वो मैग्नेटिक लाइन होती है, कर्व होती है, कर्व पाती जाती है, ठीक है. तो हम वो पढ़ेंगे कि डायरेक्शन क्या होता है, करंट किस डायरेक्शन, क्योंकि हम देख रहे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा, इसके वजह से नीडल की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. पहले इधर मूवमेंट होता था करंट ऑन करने के, और जब डायरेक्शन चेंज हो गई तो इधर कर रहा है, मतलब कहीं तो रिलेशन है इस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है. तो करंट कैरिंग अब स्ट्रेट, तो हम यहाँ अलग अलग इसमें पढ़ने वाले कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा है, उसका शेप कैसा. अगर वो स्ट्रेट वायर है, सीधा सीधा इस तरह से वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो. अगर वो लूप है, लूप मतलब सर्कुलर लूप है, इस तरह से कंडक्टर अगर सर्कुलर लूप के फॉर्म में, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होगी. और अगर सोलेनाइड के फॉर्म में, सोलेनाइड यानी क्या होता है, इस तरह से कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस. तो हम तीनों कंडीशन में पढ़ेंगे अभी वन बाय वन, कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से रहेगी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, लूप के लिए और सोलेनाइड. ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्शन किस तरह से होती है करंट कैरिंग कंडक्टर से जब भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है. तो थ्री केसेस हम स्टडी करेंगे, ठीक है. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने अभी देखा कि व्हेनेवर अ करंट फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट, ठीक है. तो अगर कंडक्टर कौन से शेप का है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है. तो इसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो पहले हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. स्ट्रेट मतलब सीधा, हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा है, वायर कैसा, एकदम स्ट्रेट है, इस तरह से सीधा. अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे हम. तो एक्सपेरिमेंट देखो, इस तरह से कार्डबोर्ड हमें लेना है, मान लो ये कार्डबोर्ड है और इसके बीच में क्या करेंगे, हम होल करेंगे और यहां से स्ट्रेट वायर, ठीक है, तो इंसर्ट करेंगे. तो इस तरह से स्ट्रेट वायर है ये और ये हमारा कार्डबोर्ड है, और यहां से हमने स्ट्रेट वायर को इसमें बीच से होल करके डाल दिया. और इसके जो दो एंड है ये वायर के, तो एक एंड इधर पॉजिटिव टर्मिनल को, दूसरा एंड इधर कहां कनेक्ट कर दिया हमने, निगेटिव टर्मिनल को, बैटरी. तो इस तरह से हमें सर्किट डायग्राम यहां तैयार करना. तो अरेंजमेंट इस तरह से करना है, तो निगेटिव एंड हो गया, ये वाले एंड को हमने ऐड कर दिया, अटैच कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और जो पॉजिटिव एंड है इधर कर दिया. बीच में हमने एमीटर लगा दिया करंट चेक करने के लिए, और यहाँ रिओस्टैट, ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रिओस्टैट बोलते हैं इसको, लास्ट ईयर हमने पढ़े सारे सिंबल. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस किस लिए यूज किया जाता है, करंट को कम ज्यादा करने, ठीक है. तो इस तरह से हमें मालूम यहाँ करंट की कम ज्यादा करना है, यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के. अब देखो क्या करना है हमें, तो कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर, वेन अ लार्ज करंट अप्रोक्सिमेटली 1 एम्पियर और मोर फ्लोस थ्रू द थिक कॉपर वायर पासिंग थ्रू अ कार्डबोर्ड, द मैग्नेटिक नीडल केप्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कार्डबोर्ड अराउंड द वायर स्टैंड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, मार्क दिस डायरेक्शन विद द पेंसिल. तो हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड की, ठीक है, इस तरह से मान लो कार्डबोर्ड है, तो कार्डबोर्ड को हमने एक वायर यहां से निकाल लिया, ठीक है, और एक कनेक्शन दे दिया उसको बैटरी से करंट सप्लाई करने की, इस तरह से. और एक कार्डबोर्ड के ऊपर हमें क्या रखना है, मैग्नेटिक नीडल रखना, ठीक है. और इस तरह से मान लो मैग्नेटिक नीडल हमने रख दिया कार्डबोर्ड के ऊपर. अब क्या करना है, जब हम करंट सप्लाई इसको ऑन कर देंगे और मान लो 1 एम्पीयर है, उससे ज्यादा करंट या फ्लो हो रहा,
ठीक है, हाई करंट फ्लो हो रहा। दूसरा अब मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन चेंज करते जाओ, सरकाते जाओ उसको सामने, मूव करते जाओ। अब यहाँ पर है तो जो पॉइंट डायरेक्शन दिखा रहा है उसको पेंसिल से पॉइंट करते जाओ। तो मान लो अब इधर मैं करता हूँ, इस पोजीशन पे अगर है तो यहाँ पॉइंट कर लिया, फिर इसको और थोड़ा आगे बढ़ा तो हमें ठीक है, तो थोड़ा सा डायरेक्शन इस तरह से हो, यहाँ पॉइंट करो, फिर और उसको आगे बढ़ा तो इस तरह से गिरेगा। तो इस तरह से हम पॉइंट पॉइंट करते जाएंगे, ठीक है, ये जो ऊपर का इसका पॉइंट है तो उसको मूव करते जाओ, और पॉइंट किधर आता है उसको वहां पेंसिल से हम पॉइंट बनाते जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस नीडल को मूव कर रहे, तो ये वाला पॉइंट हमने बना दिया पेंसिल से जहां भी हो, तो यहाँ हमने पॉइंट बना दिया, इसकी डायरेक्शन यहाँ, फिर इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पॉइंट बनाएंगे, फिर इस तरह से। तो हमें क्या पता चलेगा, हम मूव करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो इस तरह से सर्कल बन जाएगा पूरा। क्या बन जाएगा ये? इस तरह से सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? अगर हम फिर से अब इस पोजीशन को यहां कर देंगे, नीडल को दूसरी जगह रखा और आगे बढ़ाते जाओ, तो इस तरह से सर्कुलर पाथ बनाएगा। फिर उसको पोजीशन चेंज करो, आगे बढ़ाते जाओ, तो नीडल क्या दिखाएगी, जो डायरेक्शन है नीडल के ऐसे ऐसे चेंज होते जाएगा। आगे ध्यान में, जो पॉइंट है उसका एक जो एंड दिखा रहा साउथ या नॉर्थ पोल, अगर हम यहां पर लेंगे तो क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज होते जाए, और ये अगर पॉइंट टू पॉइंट हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर पाथ बन जाए, सर्कुलर रास्ता बन जाए। तो इससे क्या पता चलता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है, सर्कुलर पाथ में होती है, क्योंकि ये कंडक्टर क्या हो गया, स्ट्रेट कंडक्टर। तो जब भी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट कैरी होता है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक लाइंस तैयार होती है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कैसी होती है, तो सर्कुलर होती है। पता चल गया? मान लो ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई कैसी होगी, ऐसे सर्कल सर्कल में तैयार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका सेंटर सर्कल का, तो सारे सर्कल का सेंटर एक ही होगा, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में तैयार हो जाएंगे इस तरह से। ये एक लाइन, ये दूसरी मैग्नेटिक लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इस तरह से, इस तरह से सर्कल सर्कल तैयार होंगे, मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या होता है, इस तरह से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में हमने देखा बार मैग्नेट के लिए, तो ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल होता है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में लास्ट हमने पढ़ा, तो नॉर्थ से लेकर साउथ के तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है इस तरह से। और सर्कुलर पाथ होता है, तो उसी तरह से यहां पर भी होता है, तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट कैरी होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कौन सी इसमें होता है, लाइंस में होता है। ठीक है, तो ये लाइंस क्या होगी, सर्कुलर पाथ में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है। अब इसके जगह हम क्या करेंगे, और ज्यादा इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें। तो आपके बुक में जो दिया है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट शोन इन द सर्किट इज इट्स कन्वेंशनल डायरेक्शन। ठीक है, व्हाट चेंजेस आर कॉज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट, व्हाट डू यू सी व्हेन द मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट अ लिटल अवे फ्रॉम द वायर, नाउ इंस्टेड ऑफ द मैग्नेटिक नीडल स्प्रेड आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व, द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ सर्कुलर मैनर अराउंड द वायर, व्हाई डज दिस हैपन। ठीक है, अब दूसरे इसमें हम क्या करेंगे, अब यहां हमने नीडल रखा था और नीडल के ऊपर से हमने डायरेक्शन इस तरह से किया तो हमें सर्कुलर पाथ मिला। अब ये नीडल के जगह कार्डबोर्ड के ऊपर क्या रखेंगे हम, आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग का मतलब होता है एकदम स्मॉल पीसेस होते हैं आयरन के, ठीक है, एकदम ठीक है फाइन, तो वहां उसको हम यहां स्प्रेड कर देंगे। तो अगर उसे स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा, चलो मैं दूसरी डायग्राम बना लू, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ नीडल रखा था मैग्नेटिक नीडल, और नीडल को हम मूव करते रहे, तो जिस तरह से वो डायरेक्शन दिखा रहा हम पेंसिल से पॉइंट करते रहे तो हमें सर्कल सर्कल मिले। ठीक है, अलग अलग पोजीशन में हमने नीडल को रखा, अब नीडल के जगह कार्डबोर्ड के ऊपर बाकी करेक्शन वैसी रहेगा, कार्डबोर्ड के ऊपर हमने क्या डाल दिया, आयरन फिलिंग्स डाल दिया। ठीक है, आयरन के एकदम बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसको बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। अब स्प्रेड कर दिया, जब इलेक्ट्रिक करंट ऑन नहीं तो उसको हम इक्वली स्प्रेड करके रखा। ठीक है, पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर फैला दिया, इक्वली अच्छे तरह से फैला दिया। अब जब ये करंट यहां से फ्लो होना चालू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें ये जो आयरन फिलिंग से पर्टिकुलर इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, सर्कुलर अरेंज होते हुए दिखा दे देंगे, जितने भी जो बारीक पीसेस है ठीक है आयरन के, वो कहां हो जाएंगे, सर्कल में, सर्कल सर्कल में इस तरह से अरेंज होते दिखाई देंगे। और जो नीट वायर है उसके पास में थोड़ा क्राउडेड होंगे, क्राउडेड यानी ज्यादा दिखेंगे घने, और जैसे जैसे हम ये वायर से दूर जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा,
कम होते जाएंगे, ठीक है, और सर्कल बड़े बड़े होते जाएंगे यहाँ और एक कम दिखाई देंगे, यहाँ ज्यादा क्राउडेड रहेंगे। अभी आयरन क्या होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ये मैं क्या शो कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस होगी, सर्कुलर लाइंस होगी, उसी के ऊपर आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी, ठीक है, तो सर्कल सर्कल दिखेंगे हमें, वो आयरन फिलिंग्स के हमें क्या दिखेंगे, ऐसे सर्कल सर्कल दिखेंगे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर से, इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर से जब भी करंट कैरी होगा तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, सर्कुलर पाथ में होगा, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, सर्कुलर पाथ में। तो यहां तक क्लियर है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी किसी कंडक्टर से, वायर से करंट कैरी होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फिर स्ट्रेट कंडक्टर है तो इस तरह से उसके सर्कुलर पाथ में उसकी मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाए। इसके कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेंगे, ठीक है, तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो सर्कुलर पाथ में होता है। अभी डिपेंड होता है कि कितना इंटेंसिटी है करंट का, मैग्नीट्यूड कितना है, तो जितना ज्यादा करंट हम, तो उसमें एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगा तो नीडल का डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होता है हमें दिखाई देगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में करंट कंटिन्यू इंक्रीज करते जा रहे तो नीडल का डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होते जाए, और करंट की वैल्यू अगर हम कम करते जाएंगे तो डिफ्लेक्शन कम दिखाई देगा, जब हम करंट बंद कर देंगे पूरी तरह से फ्लो तो नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। या फिर अगर हम नीडल को दूर दूर लेके जाएंगे वायर से, नीडल के पास से अगर वायर को डिस्टेंस अगर बढ़ा इंक्रीज करते जाएंगे, नीडल का और वायर का डिस्टेंस अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, फिर से हमें क्या, सेम करंट हम सेम रखेंगे, और पहले क्या कर रहे हैं, नीडल को एक जगह रख रहे हैं और करंट की वैल्यू को कम ज्यादा कर रहे हैं, तो करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो नीडल में डिफ्लेक्शन ज्यादा, नीडल की पोजिशन एक ही जगह, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा दिखाई देगा। तो इससे भी हमें क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है किसके ऊपर डिपेंड है, करंट के ऊपर डिपेंड, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट कम फ्लो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम प्रोड्यूस होगा, समझ आ गया। उसी के साथ अगर वायर, अब ठीक है करंट हम सेम रखे लेकिन नीडल को दूर दूर लेके जाएंगे, पहले नीडल को वायर के पास में रखेंगे, ठीक है, और फिर करंट सेम रखेंगे, अब करंट को चेंज नहीं कर रहे, अब पोजिशन नीडल की चेंज कर रहे, तो करंट सेम अगर करंट पास हो रहा है और पहले वायर के पास में नीडल रखेंगे तो वहां डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई देगा, फिर नीडल को थोड़ा वायर से दूर लेके जाएंगे अवे फ्रॉम द वायर, देन थोड़ा डिफ्लेक्शन कम होगा, फिर उसको और दूर लेके जाएंगे तो और डिफ्लेक्शन कम होगा। अब डिफ्लेक्शन कम होना मतलब क्या है, कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां ज्यादा होती है, जहां वायर है, ठीक है, जिस वायर से करंट कैरी हो रहा है उसके सराउंडिंग में नियर द वायर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और जैसे जैसे एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिक्रीजेस। ये दो पॉइंट हमने यहां लिखा हुआ कि मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, ये करंट के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है वो वायर में से, फिर डिस्टेंस के साथ अगर वायर से हम दूर दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम कम होती रहे, ठीक है। तो देखो क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मतलब कितनी करंट हो रहा है, कितना वैल्यू है करंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नीट्यूड यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एट अ गिवन पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट है ना, मान लो ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, हम पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए करेंगे, पूरे कंडक्टर में है मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट के सराउंडिंग में, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्टली डिपेंड है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, उसको बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, किसको प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, कितना वैल्यू है करंट का, ठीक है, पासिंग थ्रू द वायर, दैट इज व्हेन करंट इंक्रीजेस इन द वायर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट आल्सो इंक्रीजेस, तो करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाए। सेकंड है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ गिवन करंट इन द वायर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस, तो अगर डिस्टेंस वायर का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा,
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये वायर है, यहां पर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे वायर से हम दूर होते जाएंगे तो पर्टिकुलर जो डिस्टेंस पॉइंट है वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ गिवन कंडक्टर इन द वायर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। आगे देन में दस वी गेट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना जिसका सेंटर एक ही हो, ठीक है, रेडियस बढ़ती जाएगी तो ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे सर्कल मिलते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते सर्कल बिकम्स बिगर एंड रेयर फाइट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा, मान लो ये वायर है हमने अभी देखा था, और जैसे जैसे इसका डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा तो यहाँ क्या होंगे, ये सर्कल्स बहुत पास पास में होंगे, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो ये सर्कल भी बड़े बड़े बिगर सर्कल, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे लेकिन बिकम्स बिगर एंड रेयर फाइट, और बड़े बड़े होकर रेयर होते जाएंगे, रेयर फाइट होना, ठीक है, इस क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और जैसे जैसे करंट की वैल्यू के ऊपर डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड होता है, ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम करंट कम मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ में आ गया, तो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग स्ट्रेट करंट, यानी सीधा सीधा स्ट्रेट करंट, यानी कंडक्टर से किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें डायरेक्शन के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो ये डायरेक्शन कैसे पता करना, तो उसके लिए एक रूल बना हुआ है कि हम कैसे, अगर करंट की डायरेक्शन एक साइड से है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी, किस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये पता करने के लिए रूल बनाए गए। तो पहला रूल है, उसे बोलते हैं हम राइट हैंड थंब, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नोट कर लिया, नोट कर लो आप। अब देखो आपके बुक में इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और यहां हमने मेंशन भी किया। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या होता है, व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द वायर और कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस नियर, ठीक है। तो जब भी करंट पास होता है किसी कंडक्टर से वायर से तो उसके नियर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये किसने पता लगाया था, सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म होना। सो दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, तो उसके बारे में याद दिया है, साइंटिस्ट एज अ साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट इन द 19th सेंचुरी हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ही ऑब्जर्व इन 1820 दैट व्हेन अ करंट पासिस थ्रू अ मेटल वायर The magnetic needle near the wire turns through a certain angle. तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने देखा कि जब किसी मेटल के वायर से करंट कैरी हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है, कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और एक मैग्नेटिक वायर, एक वायर से करंट जब पास हो रहा था उस पास में एक नीडल रखी हुई थी, तो अचानक उसने देखा कि नीडल में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा, उसका ध्यान गया उसके तरफ, एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और नीडल वहां रखी हुई थी मैग्नेट बाय चांस। तो जब भी वो करंट वहां से पास हो रहा था तो वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, फिर उसके ऊपर उसने सोचा कि डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा, ठीक है, ये पॉइंटेड आउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और उसके ऊपर से फिर उसने डिस्कवर किया और कुछ रिलेशन बताया मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। टूडेज एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप एज अ कॉन्सिक्वेंस इन दिस ऑनर द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टर्म्ड एज ऑस्टिन, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ये इसी के ऊपर से आई होती है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से चलो। इस तरह से इंट्रोडक्शन दिया आपको साइंटिस्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल, तो ये लिख लो आप, अब देखो राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो ये टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट पासेस थ्रू स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर से जब भी करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो हमेशा मालूम है हमें, अभी हमने पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो जो कंडक्टर है उसके पास में छोटा सर्कल होगा, फिर उसके दूर जाएंगे तो बड़ा होते जाएगा, बिगर बिगर सर्कल इस तरह से बनते जाएगा, ठीक है, हमने देखा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कम होती जाएगी, तो डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा,
और करंट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, तो दोनों चीजें हमने पढ़ा। अभी डायरेक्शन क्या हुई, क्योंकि हमने दो केसेस देखा, जब मान लो ये पॉइंट से इधर मतलब ऊपर से नीचे अगर डायरेक्शन है करंट की, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी। अभी कैसे पहचाना कि कब है, तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल लेना। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, अपना राइट हैंड कंसिडर करना है, और राइट हैंड को राइट हैंड में मान लो ये कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर मैंने होल्ड किया, ठीक है, तो ये जो थंब की डायरेक्शन है तो जिधर करंट पास हो रहा है उधर थंब रखना है, समझ आ गया। तो राइट हैंड में कंसिडर करना कि राइट हैंड में कंडक्टर है और जिधर करंट की डायरेक्शन है ये थंब उस डायरेक्शन में रखना है। तो थंब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लो इस कंडक्टर में नीचे से ऊपर इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने इस तरह से पकड़ लिया इसको, ठीक है, तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, थंब के डायरेक्शन में इस तरह से आगे दिन में। तो ये जो कर्ल फिंगर है, बाकी सारे फिंगर क्या हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी, तो ये कर्ल फिंगर जिधर है ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसी। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस तरह से घूमेगी, समझ में आ गया। अगर ये उल्टा हो जाता, ये उल्टा हो जाना है ना, फील्ड की डायरेक्शन अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती, मतलब ये नीचे से ऊपर है तो ऊपर से नीचे हो जाएगी, तो मैं इसको ऐसा करूं, समझ में आ गया। तो थंब क्या शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऐसी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन से है, ऐसे इधर से, और अगर ऐसा है तो इधर से उल्टा हो, तो समझ में आ गया। अगर दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा उसकी डायरेक्शन क्या, तो ये राइट हैंड थंब रूल है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, इमेजिन दैट वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन अवर राइट हैंड। इमेजिन करो कि हम राइट हैंड में हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होल्ड कर रहे हैं, सच दैट द थंब पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब्स किसको पॉइंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द कर्ल्ड फिंगर्स, कर्ल्ड फिंगर्स ये जो कर्ल्ड हुई फिंगर्स, ठीक है, अराउंड द कंडक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल्ड फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज नोन एज द राइट हैंड थंब रूल। इसी को हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। समझ में आ गया सिंपली। तो आपको क्या करना है, ये राइट हैंड थंब रूल क्या लिख लेना, इसके नीचे डायग्राम बनाना जो कि आपके बुक में दिया हो, ठीक है। तो देखो आपके बुक में दिया है, ये जो एरो दिया है ये करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, तो थंब उसके डायरेक्शन में, सो इलेक्ट्रिक करंट। राइट हैंड लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कर्ल्ड फिंगर की तरफ। तो ये देखो यहां दिया है मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, ठीक है, तो एरो दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में होगा, इस ऐसी घूमेगा। तो आपको नोट कर लेगा, देखो फाइंड आउट में आपको दिया है द राइट हैंड थंब रूल इज कॉल्ड मैक्सवेल्स क्वार्क स्क्रू रूल, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, राइट हैंड थंब रूल, और एक नाम क्या है, मैक्सवेल्स क्वार्क स्क्रू, ठीक है, क्वार्क स्क्रू रूल। इस तरह से हमने आज पढ़ा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से सर्कुलर इसमें होती है और उसका डायरेक्शन पता करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल। कल हम पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, लूप के वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम कर पाएंगे।